सो वो डिसअपॉइंटेड आर्मी वेलकम बैक टू अनदर PUBG Mobile वीडियो। सो गाइस आ चुके हम फिर से एक नवे रूम में, और रूम ये वाला कस्टम रूम है, सिंपल प्रैक्टिस स्क्रिम्स है, कोई टायर टूर या फिर कोई टूर्नामेंट कुछ नहीं है। तो भाई हम यहाँ पर आए थे, हम अर्ली फाइट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कस्टम है और ऐसे ही कस्टम है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि इसमें हमें टूर्नामेंट का प्रेशर है। तो गन फाइट हुई, अर्ली फाइट हुई और हम घुस गए भाई। और ये भाई तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मतलब बस ये हिल गया, इसका दिमाग खराब हो गया कि भाई मैं कहाँ से बचूं, ये दोनों इतने कुत्ते की तरह घुस रहे हैं ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर गन फाइट हो चुकी है और इनके दो बंदे ले जा चुके हैं, जिसमें से तीसरा बंदा यहाँ पर कहीं पर छुपा होगा जिसके ऊपर मैं गया था, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन ना ये मैं पहचान पाया ना ये पहचान पाया मेरे को, और लिटरली हरकत हो जाती है यहाँ पर। बट अब हम यहाँ से सिंपली मैं बहुत बड़ा टेलीपोर्ट करके सीधा हम जोन के फाइनल में आ रहे हैं, मतलब मैच के फाइनल में आ रहे हैं। और यहाँ पर एक्चुअली में बंदे थे, हमने जोन का मिडल होल्ड करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर K2S वाले बैठे थे जिनसे मैं बदला भी लेना था। तो भाई तुमने देखा यहाँ पर मैं इसको नोक करने के बाद अब मैं पहले मेडकिट लगाऊंगा, ठीक है, मस्त मेडकिट। उसके बाद T2 ने इसको भागने नहीं देना था, और अब हम इसके ऊपर यहाँ पे क्या नाम है पैन करेंगे। अब पैन करने का रीज़न क्या है कि भाई इस भाई ने मेरे T2 को एक बार कस्टम में पैन से मारा था, जिसका हमने बदला लेना था, और हमने बदला ले भी लिया। भाई हम डरते ही नहीं कस्टम में, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टूर्नामेंट का प्रेशर नहीं है, तो हम डरेंगे नहीं, हम सीधा घुस के पैन से मारेंगे और उसके मुंह के उसके बंदों के सामने मारा। पीछे बैकअप दो बंदे थे, अगर नॉक हो भी जाते तो शायद बच ही जाते। तो अब यहाँ पर भाई देखो इनका एक K2S का एक और बंदा भाग रहा था, मेलो भी उसको नॉक किया, और देखो जैसे स्ट्रीमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअली में। मेलो भी थोड़ा बैक ऑफ करते हुए कभी गेम खत्म कर चुके वांटेड जी हमारे। तो भाई K2S स्क्वाड का लास्ट बंदा अश्वथामा वाईटी यहाँ पर हमारे सामने था, और हमें इसके ऊपर भाई पता नहीं क्या हुआ है, मेरा किल चोरी हो गया, ठीक है, DNA वालों ने इसको मार दिया, और अब हमारी फाइट होने वाली है DNA वालों से। और ये चीज़ भी स्ट्रीम में आई है, मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा स्ट्रीमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ। इन लोगों ने पुश करने की कोशिश करी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भाई नीचे वांटेड भी खड़ा है, और मैं ले गया भाई, हाथ में M24 है, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है मेरे अंदर, मतलब ग्रोजा से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को M249 पे, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, सिंपली इनके हम तीन बंदे, दो बंदे खा चुके हैं, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी दो बचे उन्होंने ऊपर मेरे बंदों में पुश किया, और वहाँ भी वो बचने वाले नहीं है। आप देखो जरा स्ट्रीम में क्या हुआ था। अश्वथामा को खत्म कर दिया गया है एम वांटेड के थ्रू। वहाँ पे 4D हॉक ने भी DT के एक्टर को नॉक करा, स्वेट रैम्बो ने भी DT के एक्टर को नॉक कर चुके हैं। यहाँ पे अभी गेम 2v4 हो चुका है DNA वर्सेस एम के बीच, लेकिन यहाँ पे DNA की टीम बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, ये उनका बेहतरीन प्रदर्शन अब यहाँ पे। तो भाई अब जरा यहाँ का जोन देखो और यहाँ पर बचे हुए बंदे देखो, ठीक है। अब पीछे DNA वालों को फिनिश करने के बाद एक और स्क्वाड पीछे बैठा था, जो था ब्लैक एक्स स्क्वाड में भी, ब्लैक कुछ ऐसा करके नाम था उनका। तो अब उनका एक बंदा पूरा रोटेट कर रहा था, जिसका मुझे साउंड आ गया था अच्छे ईयरफोन्स होने की वजह से, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पर वो बंदा मेरे को राइट से आके नॉक करना चाहता था, लेकिन मैं पूरा राइट से होके उसके पास चला गया, और हाथ में थी मेरी M249, तो भाई उसको ले जाऊंगा क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ओवर चला जाता है। और यहाँ पर अब मैं सिंपली, मुझे उसकी लोकेशन पता है, वो मैं सिंपल जंप करके जाऊँगा उसके पास, उसको कुछ आइडिया नहीं था कि मैं वहां से आने वाला हूं, और इसलिए मैंने उसको इजीली वहां पर नॉक करके फिनिश भी कर दिया। और दोबारा देखो स्ट्रीमर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर क्या हुआ था। यहां पे पेड़ अच्छी लोकेशन होल्ड कर रखी, यहां पे बहुत ही बढ़िया लोकेशन है यहां पे समय DD पांडे की, यहां से वो बहुत ही आराम से वांटेड को नॉक कर सकते हैं, लेकिन वांटेड भी बहुत तेज हैं, मशीन गन लेके पहुंच गए हैं। अरे 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 बच गया बच गया बच गया, बिल्कुल ही लो पॉइंट पे बचते हैं यहाँ पे, अरे यहाँ पे नॉक हो चुके हैं वांटेड। So guys, इसके बाद क्या था कि भाई हमारा सैंडविच होने वाला हो गया था, जोन का मिडल हमारे पास था, बट एक तरफ वाइल्ड के बंदे थे, दूसरी तरफ थे वो ब्लैक एक्स वाले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था भाई, ये बंदा पास आ गया था, मेरे को इसकी शक्ल दिख गई अचानक से, और इसको मैं ले गया, और ये स्ट्रीम भी स्ट्रीम पे आई है, और जरा आराम से देखो मैं नॉक हुआ था, लेकिन मैं रिवाइव होकर बस अब खूंखार बन चुका हूँ, घायल शेर निकाले यहाँ पे, कोई भी नहीं देख पा रहा भाई, कोई भी। फिर से थोड़ा डैमेज देते हुए
पे वांटेड को लोकेशन प्रॉपर पता चल गई थी। अब गाइस वाइल्ड के बचे हुए बंदों ने यहाँ पर पुश कर दिया हमारे बंदों पर, और मेरा काम सिर्फ ये कि मैं बाहर से किसी को अंदर न जाने दूं, उस तरफ तो भाई अपने बंदे संभाल लेंगे। देखो कैसे कर रहे हैं एंटीटू ने यहाँ पे वाइल्ड टेक को नॉक करा, और सारे अब यहाँ पे सूरज का बहुत ही प्यारा गेम प्ले भाई साहब, बहुत ही प्यारा। टीटू का भी बहुत ही प्यारा गेम प्ले, दोनों ने मिलकर हमें वाइल्ड के प्लेयर्स को खत्म करा। सो गाइस लास्ट टाइम में बिल्कुल लास्ट जोन क्लोज होने वाला हो गया, तो सिंपल है भाई, मैं सूरज को यहाँ पर सारी फर्स्ट एड्स पकड़ा दी, और यहाँ पर मैं और पिकाचू ने जाकर नीचे ब्लैक एक्सेलो पे पुश कर दिया, जिसका सिंपल रीजन था कि हमारा सूरज अंदर बैठ के फर्स्ट एड लगाएगा और हम इतने में उनको फर्स्ट एड लगाने देंगे, ठीक है। सिंपली उन पर पुश करके अपने किल भी निकालेंगे और चिकन डिनर। हाँ पे जोन आगे आ रहा है, देखते हैं मिलने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे। क्या मारा है रे, और यहीं पे ये गेम हमारी वांटेड के प्लेयर्स ले जाते हुए, और इंडिया बैक खुश हो चुका है कि उसके प्लेयर्स यहाँ पे था, बढ़िया गेम प्ले दिखाया, बहुत ही प्यारा। 12-15 किल्स के साथ यहाँ पे इनके प्लेयर्स। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.